नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ पुलिस D112 मिर्ची गैंग का सरगना 2.5 लाख के कुख्यात बदमाश आशु जाट को गिरफ्तार कर दिल्ली NCR के लोगों को राहत देने का काम किया है। दिल्ली NCR में खौफ और आतंक प्राय बन चुके आशु जाट के नाम से दिल्ली NCR के लोग उसके नाम से कांपते थे, जिसे पुलिस के आला अधिकारियों ने पकड़ने के लिए एड़ी चोड़ी का जोर लगा रखा था। पकड़ने के लिए 6 जिलों की पुलिस 1 साल से तलाश कर रही थी। आशु जाट इतना शातिर था कि उसने कभी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। उसे रूप बदलने में भी महारत हासिल थी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी आशु जाट बेखौफ था। जब देर रात पुलिस आशु जाट को लेकर हापुड़ आ रही थी, आशु जाट ने टॉयलेट आने के बहाने से एक सिपाही की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस जवानों की मुस्तैदी ने आशु जाट के मंसूबों पर पानी फेर दिया और आशु जाट के भागने के प्रयास को विफल कर दिया। वहीं पुलिस आशु जाट को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश करेगी। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस न्यायालय की अनुमति के बाद आशु जाट को कस्टडी रिमांड पर लेगी। उसके बाद पुलिस पकड़े गए बदमाश आशु जाट से पूछताछ करने में लगी हुई है। क्या कहना है SP हापुड़ संजीव सुमन का, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश का दुर्दांत अपराधी आशु जाट, जो कि 2.5 लाख का इनामी था, उसे बहुत ही अथक प्रयास के बाद हापुड़ पुलिस की टीम ने मुंबई से 5 तारीख को गिरफ्तार किया है। इसका आपराधिक इतिहास आप लोगों के सामने रखा गया है। लगभग 55 मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ। सभी गंभीर घटनाओं में मुकदमे दर्ज हैं। ये इसका आपराधिक इतिहास शुरू होता है 2008 से, जब इसने पहली हत्या की थी नोएडा में। तब से ये और इसके बड़ा भाई मिर्ची गैंग के नाम से सक्रिय थे। ये मिर्ची गैंग इसलिए कहलाता था क्योंकि ये लोग लूट करने के वक्त अपने जो भी शिकार है उसकी आंखों में मिर्च झोंक देते थे। तब से ये दुर्दांत बनता चला गया ये गैंग, और भी लोगों को, नए नए लोगों को जोड़ता है। नए नए लोग जोड़ के उनसे अपराध करने में शामिल होते हैं ये लोग। इसका बड़ा भाई भी भोलू जाट, वो भी 45 लगभग मुकदमे उस पर सनसनी केस मुकदमे हैं, जिसमें वो अभी डासना जेल में बंद है। आशु जाट कई घटनाएँ करने के बाद 2013 में निरुद्ध हुआ जेल में लंबे समय के लिए। फिर 2019 में वो रिहा हुआ है जेल से, और उसके बाद भी इसने लगभग 6-7 लूट की और 3-4 हत्याएं, इन सब घटनाओं को अंजाम दिया है। इसमें जो हमारे जनपद में है, इस लगभग 50 मुकदमों में से लगभग 20 से 22 मुकदमे जनपद हापुड़ के हैं जो इसने घटित किए हैं। और जो दूसरा जनपद इसमें सबसे ज़्यादा घटनाएं इसने की है, वो है जनपद गाज़ियाबाद। इसके अलावा उसने मेरठ, बुलंदशहर, अमरोहा, सभी जगह, मुजफ्फरनगर, इन सब जगहों पे भी घटनाएं की कर रखी हैं। इन सभी बहुत सारे जनपदों में, 6 जनपदों से लगभग ये अभी वांछित चल रहा था। और पिछले 1.5 साल से पुलिस बहुत ही सभी जगह की पुलिस, पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस और भी जनपदों की पुलिस इसमें लगी हुई थी। अथक प्रयास के बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। एक बहुत ही सफल ऑपरेशन किया गया मुंबई में जाकर के। हमारी क्राइम ब्रांच बहुत ही लिमिटेड सूचना होने के बावजूद, हमारी SOG फर्स्ट टीम ने, हमने एक्ट किया। जब हम वहां पे गए तो हमारे पास सूचना बहुत पुख्ता सूचना नहीं थी। हमारे पास जो सूचना थी, हमें बस एक हंच था। हमें ये बात अपने जो भी माध्यम है उससे ये बात पता चली थी कि ऐसा हो सकता है। वहाँ पर फिर फिजिकली फोटोज़ दिखा करके, और जहाँ जहाँ हमें शंका थी वहाँ पे मुखबिर स्थापित करके, जो हमारे वहाँ के मुखबिर, यहाँ के जो लोकल इस जनपद के, हम लेके गए थे 2, और वहाँ पे जो हमने स्थापित किया, इससे तार से तार जोड़ करके हम लोगों ने फाइनली उस अभियुक्त तक पहुँचे। लगभग 7 दिन ऑपरेशन करने के बाद उस ऑपरेशन में फिर हमने सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया, और फिर इनका ट्रांजिट रिमांड बना करके इसको लाया गया यहाँ हापुड़। कल हापुड़ पहुंचने वक्त, ये जस्ट जनपद में जब घुसा ही था, इसने टॉयलेट का बहाना किया, नीचे उतरा, उस वक्त भागने की कोशिश भी की है, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, भागने नहीं दिया है। अब पुलिस इतने लंबे समय के बाद हम लोग इसे जेल भेज पाने में सफल हो रहे हैं। हम इसकी प्रभावी पैरवी करेंगे सभी केसेस की, और सभी प्रभावी केसेस की पैरवी करवा करके हम इंश्योर करेंगे कि जितने भी मुकदमे हैं इनमें ये सज़ा पाए, और जो भी केसेस जिनका अनावरण अभी तक रुका हुआ था वो इसे पकड़े जाने से अब वो पूर्ण होता है। इसमें जो हमने और साइट से ज्ञात किया, इसके सोर्सेस मोडस ऑपरेंडी आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। लूट करना,
सबसे पहले ये किसी की गाड़ी लूटते हैं, गाड़ी लूट के उससे कोई सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हैं, फिर गाड़ी छोड़ देते हैं। इनका जो गैंग करता है, गैंग नए लड़के शामिल रहते हैं, गैंग में कभी भी ये फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं। इस कारण से इसमें और भी समस्या हो रही थी इस गैंग को पकड़ने में, फ़ोन ना यूज़ करने के कारण। तो जैसे मुंबई में रह रहा था तो किस नाम क्या नाम बदल के वहाँ मुंबई में ये आकाश ठाकुर के नाम से रह रहा था। ये लगभग 1 फरवरी से मुंबई में आकाश ठाकुर के नाम से रह रहा था। वेश बदलने में माहिर है, आप देख सकते हैं जो आप लोगों को हम लोगों ने तस्वीरें प्रोवाइड करवाई हैं और जो ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं उसमें बहुत अंतर है। पहले भी जो घटनाएं की है उसमें हमेशा वेश बदलता रहता है ये भी, और इससे गैंग के और सक्रिय मेंबर्स भी ये चीज़ करते हैं। हमारे पास और भी सूचनाएँ थी कि वो निकट भविष्य में भी कोई घटनाएँ, गंभीर घटना जनपद गाज़ियाबाद, नोएडा या हमारे जनपद हापुड़ में कर सकता है, इसकी सूचना हमारे पास थी। अब चूंकि वो भविष्य की बात है उस पर ज़्यादा टिप्पणी कर पाना संभव नहीं होगा, लेकिन फिलहाल इन सभी मुकदमों में हम इसे जेल भेज रहे हैं और प्रभावी कार्रवाई करोगे, हम कोशिश करेंगे कि इसे जल्द से जल्द सज़ा मिले। सर जब हापुड़ पुलिस भाग रहा था तो बताया जा रहा है कि पिस्टल छीन के भाग रहा था। जी हाँ, पुलिस की पिस्टल छीनने का प्रयास किया, इसने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस मुस्तैद थी। हमारे लोग लगभग 30 घंटे से सो ही नहीं थे, फिर भी लड़के मुस्तैद थे क्योंकि हमें पता है ये एक हाई वैल्यू क्रिमिनल है। इसको हमें इस हाई वैल्यू टारगेट को पकड़ने में बहुत समस्याएं हुई हैं, इसलिए हम लोग इस पर कभी भी किसी भी वक्त ऐसा नहीं था हम लोग सतर्क नहीं थे, हमारी सतर्कता के कारण वो पकड़ा गया। लेकिन जब भी इस तरह का अपराधी जो कि इस सब चीज़ों में शातिर और माहिर होता है वो ऐसी घटनाएँ कर सकता है, हम लोग इस बात के अंदेशे में थे, उसने किया भी लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण वो हमने उसे सफलतापूर्वक पकड़ा। दरोगा जी की थी या सिपाही की थी? सिपाही की थी पिस्टल, और उसको उन्होंने छीनने की कोशिश की और फिर हमने उसे रिकवर कर लिया। और सर डोरी में नहीं डाल रखती, डोरी में नहीं डाल रखती थी सुरक्षा के लिए? देखिए जब ट्रैवलिंग करते हैं, जब ट्रैवलिंग करते हैं तो हथियार अमूमन लोग कमर में घुसा के नहीं रखते हैं, ऐसा जनरली कोशिश किया कि जब इतनी लंबी ट्रैवलिंग होती है तो भी प्रयास ये रहता है कि अपराधी से पिस्टल्स हटा के रखी जाए, फिर जब कोई शॉट करने या फिर टॉयलेट करने नीचे उतरता है तो फिर पिस्टल वापस लेना ज़रूरी होता है, इसलिए डोरी वाली चीज़ नहीं थी। नहीं नहीं तो दुर्दांत अपराधी ने इतना प्रयास किया तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही कर दी। आप पुलिस की लापरवाही आप ये नहीं कह सकते हैं कि पुलिस ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, ये पुलिस की सफलता कहेंगे कहीं भी लापरवाही नहीं। बड़ा हादसा हो सकता था जिस तरीके का, 2.5 लाख हो सकता था, इसीलिए पुलिस मुस्तैद थी और सफल थी, इसीलिए हादसा नहीं हुआ, कोई भी ऐसा हादसा नहीं होने दिया गया, छोटी से छोटी बात भी नहीं होने दी गई। उस वक्त भागने की कोशिश भी की है लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, भागने नहीं दिया है। अब पुलिस इतने लंबे समय के बाद हम लोग इसे जेल भेज पाने में सफल हो रहे हैं, हम इसकी प्रभावी पैरवी करेंगे सभी केसेस की, और सभी प्रभावी केसेस की पैरवी करवा करके हम इंश्योर करेंगे कि जितने भी मुकदमे हैं इनमें ये सज़ा पाए, और जो भी केसेस जिनका अनावरण अभी तक रुका हुआ था वो इसे पकड़े जाने से वो पूर्ण होता है। इसमें जो हमने और साइट से ज्ञात किया इसके सोर्सेस, मोडस ऑपरेंडी आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, लूट करना, सबसे पहले ये किसी की गाड़ी लूटते हैं, गाड़ी लूट के उससे कोई सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हैं, फिर गाड़ी छोड़ देते हैं। इनका जो गैंग करता है, गैंग नए लड़के शामिल रहते हैं, गैंग में कभी भी ये फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं, इस कारण से इसमें और भी समस्या हो रही थी इस गैंग को पकड़ने में, फ़ोन ना यूज़ करने के कारण। तो जैसे मुंबई में रह रहा था तो किस नाम क्या नाम बदल के वहाँ रह रहा था? मुंबई में ये आकाश ठाकुर के नाम से रह रहा था। ये लगभग 1 फरवरी से मुंबई में आकाश ठाकुर के नाम से रह रहा था। वेश बदलने में माहिर है, आप देख सकते हैं जो आप लोगों को हम लोगों ने तस्वीरें प्रोवाइड करवाई हैं और जो ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं उसमें बहुत अंतर है। पहले भी जो घटनाएं की है उसमें हमेशा वेश बदलता रहता है ये भी, और इससे गैंग के और सक्रिय मेंबर्स भी ये चीज़ करते हैं। हमारे पास और भी सूचनाएं थी कि वो निकट भविष्य में भी कोई घटनाएं, गंभीर घटना जनपद गाज़ियाबाद, नोएडा या हमारे जनपद हापुड़ में कर सकता है, इसकी सूचना हमारे पास थी। अब चूंकि वो भविष्य की बात है उस पर ज़्यादा टिप्पणी कर पाना संभव नहीं होगा, लेकिन फिलहाल इन सभी मुकदमों में हम इसे जेल भेज रहे हैं और प्रभावी कार्रवाई करोगे, हम कोशिश करेंगे कि इसे जल्द से जल्द सज़ा मिले। सर जब हापुड़ पुलिस भाग रहा था तो बताया जा रहा है कि पिस्टल छीन के भाग रहा था। जी हाँ, पुलिस की पिस्टल छीनने का प्रयास किया, इसने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस मुस्तैद थी। हमारे लोग
लगभग 30 घंटे से सो ही नहीं थे, फिर भी लड़के मुस्तैद थे क्योंकि हमें पता है ये एक हाई वैल्यू क्रिमिनल है। इसको हमें इस हाई वैल्यू टारगेट को पकड़ने में बहुत समस्याएं हुई हैं, इसलिए हम लोग इस पर कभी भी किसी भी वक्त ऐसा नहीं था, हम लोग सतर्क नहीं थे, हमारी सतर्कता के कारण वो पकड़ा गया। लेकिन जब भी इस तरह का अपराधी जो कि इस सब चीज़ों में शातिर और माहिर होता है वो ऐसी घटनाएँ कर सकता है, हम लोग इस बात के अंदेशे में थे, उसने किया भी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण वो हमने उसे सफलतापूर्वक पकड़ा। दरोगा जी की थी या सिपाही की थी? सिपाही की थी एक पिस्टल, और उसको उन्होंने छीनने की कोशिश की और फिर हमने उसे रिकवर कर लिया। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।